बालाजी में अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने बाल चढ़ाते हैं। ये कलयुग में सबसे ज्यादा प्यारे क्या है? बाल। लावण्य केश धारणम। कलयुग में सुंदरता तो बालों से ही जानी जाती है। इसका देखो, लोग बाल जो है ब्लीच कराएंगे, उनको स्ट्रेट कराएंगे, उनको कर्ली कराएंगे, कुछ ना कुछ बालों के साथ करेंगे। कभी चीर निकालेंगे, कभी तेरे नाम वाला कर लेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे वो, क्योंकि बाल जो है बड़े जरूरी हैं, है ना। बाल बाल बचे तो बाल जो है बहुत जरूरी है। तो तिरुपति बालाजी जी में जब लोग जाते हैं तो लोगों ने बाल चढ़ाते हैं, तो दिस पर्टिकुलर लिम इज प्रैक्टिस देयर ऑफरिंग वंस फेवरेट आर्टिकल। स्पेशली स्त्रियों के लिए तो बाल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी घुमाना। सो दैट फेस तिरुपति बालाजी में इवन सीबीसी माताजी इज़ देयर बाल्ड। वन ऑफ माई फ्रेंड युवा सिंह कहते प्रभु ब्रह्मचारी लाइफ के लिए ना बेस्ट जो जगह है तिरुपति है। इवन इफ यू लुक एट so there are many ladies also, they are shaven headed, yeah. तो हालांकि कुछ जैसे oh my god में से कि क्या भगवान उसे बाल चाहते हैं, हैं? उसमें सफेद बाल, काले बाल, जू वाले बाल, और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला बालाजी ने बाल 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 बाल। This is how it is mentioned in oh my god by कांजी भाई। लेकिन भगवान असल में बाल नहीं देते, और ऐसे भी नहीं कि बाल जो चुड़ा करके बालाजी के कमरे के भर दिया जाते हैं कि वो जो दरवाजा खुले बाल 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 बाल। वो तो नाई के यहाँ चढ़ते हैं ऐसे, और उनके यहाँ जो पर्टिकुलर नाई होते हैं जो बालाजी में तिरुपति वाले तिरुपति में वो वहाँ पर वो करते हैं, दैट्स इट माइक दैट। पर ऐसे नहीं कि वो झूम वाले बाल, काले बाल, सफ़ेद बाल, वो करली वाले बाल, वो स्ट्रेट वाले बाल, फिर वो बालाजी बाल बाल बाल। एक्चुअली उसमें जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं बालाजी के यहाँ पर जो जो बाल चढ़ाते हैं भगवान को, जो कि बाल बड़े प्रिय हैं हमको, उसमें जो वैल्यू सिस्टम है वो ये है कि मेरे लिए बाहर की सुंदरता ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए अंदर की सुंदरता वो ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स द वैल्यू सिस्टम बिहाइंड दैट रिचुअल। बिकॉज इफ समबडी इज एक्सटर्नली ब्यूटिफुल दैट पर्सन इज अट्रैक्टिव, बट इफ समबडी इज इंटरनली ब्यूटिफुल दैट पर्सन इज कैप्टिवेटिंग। क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, बींग अट्रैक्टिव और बींग कैप्टिवेटिंग? कैप्टिवेटिंग। लेकिन कैप्टिवेटिंग कौन लोग होते हैं? दोज आर इंटरनली ब्यूटिफुल। दोज आर एक्सटर्नली ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव। क्या बात है, वाह मैन क्या हो अट्रैक्टिव। फिर जब चला गया, चली गई, अब आगे निकल गए, फिर नया अट्रैक्शन। लेकिन कैप्टिवेटिंग में क्या होता है? द पर्सन कॉन्टिन्यूज टू स्टे इन आर हार्ट्स बिकॉज ऑफ द प्योरिटी ऑफ द पर्सन, राइट? सो दैट इज इंटरनल ब्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सटर्नल ब्यूटी, एंड दैट इज द वैल्यू सिस्टम। ये वैल्यू सिस्टम है बालाजी में बाल आने का, कि हमारे फेवरेट आर्टिकल क्या है? बाल, और इसको हम चढ़ाएंगे लाइक दैट। तो दैट्स अ वैल्यू सिस्टम बिहाइंड इट। इनफैक्ट बालाजी में एक बार ऐसा भी हुआ था तिरुपति बालाजी में, देयर वाज वन कपल, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि ना हमको बेटा हो, और बालाजी को उन्होंने प्रॉमिस किया कि ना जब होगा तो हम वो बेटे के साथ आपके पास आएंगे। ऐसा किया उन्होंने, तो बालाजी की फिर कृपा से उनको बेटा हो भी गया। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम तिरुपति आएंगे बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो तिरुपति बालाजी जो दर्शन करने के लिए आए, तो माता जी जब झुकी प्रणाम करने के लिए, तो हाथ से बेटा फिसल करके जो जो उनकी पेटी होती है इसमें कि धान जाता है उसमें चला गया। अरे बच्चा 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 हमारे चल गया जी, बच्चा बच्चा। तो फिर उसके बाद वो खोला गया, नीचे से बच्चे को लेकर के आए, और माँ ने चूमा उसको। लेकिन वहाँ जो भक्त थे उन्होंने बोला, ये बच्चा आपका ये कैसे कहते हैं? हमने ना मन्नत मांगी थी कि एक बार हमारा बच्चा हो जाएगा ना, आपके दर्शन करने जरूर आएंगे। वो प्रणाम किया तो स्लिप हो गया मेरे हाथ से और वो चला गया। तो ये तो देखिए अर्पित हो गया तो बालाजी को। तो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ थे जिनको इतनी मुश्किल से भी बच्चा प्राप्त हुआ था, वो सोच मड़ के कहते हैं वाकई में बात तो वैसे ही है। तो हस्बैंड कह रहा था नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बात है, अब वो स्लिप हो गया और क्या, हमने ऐसा थोड़ी किया, ये बच्चा आप ही का है, समर पे आमी, हमने ऐसा थोड़ी किया था, ये तो वो स्लिप हो गया। तो लेकिन जो माता जी थी ना वो अटक गई, कहते हैं देखो वो ये हुआ भी है, उसके बाद ना उस भक्त ने कन्फर्म भी किया इस बात को। तो हमने ना ये इस बच्चे को, क्योंकि बालाजी को हो गया अर्पित, ये हमें दे देना चाहिए इसको। And then that boy was given to Tirupati Balaji. और फिर उसको बड़ा किया गया, then he is serving there in the temple. और उसके बाद उनका दूसरा बच्चा भी हुआ है, they got another son by the mercy of Tirupati Balaji.